एक सिंपल सी रेसिपी को थोड़ा सा चेंज करके आप नया टेस्ट दे सकते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बना सकते हैं ढाबे रेस्टोरेंट का टेस्ट भी इस रेसिपी के सामने फेल है साथ ही में मैं आज शेयर कर रही हूँ खुशबूदार और खिले खिले चावल कैसे बनाने हैं उसके टिप्स ओवरऑल ये कम्फर्टिंग रेसिपी है तो देर नहीं करते हैं लेट स्टार्ट हेलो फ्रेंड्स फ्रेंडसर वेलकम बैक टू माय चैनल एक कंफर्टिंग मील की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ जो ढाबे और रेस्टोरेंट के टेस्ट को भी फेल कर देगी बेसिक इंग्रेडिएंट्स हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं है बस इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है जो अक्खा मसूर होता है वही मैंने लिया है तो दो कप मसूर दाल को मैंने ऑलरेडी चार घंटे पहले सोख करके रखा था ये देखिए अच्छी तरह से फूल चुकी है और अच्छी तरह से टूट रही है इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बल के ये पानी को भी निकाल लूंगी दाल को अच्छी तरह से वॉश करके ले लूंगी दाल है तो मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ फ्लेम को लो रखेंगे इसमें तेल डाल देंगे दो चम्मच और दो घी। दाल में घी जरूर डालें इससे टेस्ट बढ़ जाता है अब डालेंगे कुछ खड़े मसाले जैसे मैं तेज का पत्ता एक डाल रही हूँ दाल जीने के दो छोटे टुकड़े डाल रही हूँ तीन मैंने लौंग डाल दिए हैं और एक कश्मीरी लाल मिर्च सूखी वाली ले ली है इसके बाद मैं यहाँ डेढ़ चम्मच के करीब जीरा ऐड करूँगी फ्लेम को एकदम लो रखना है आपको ताकि जले नहीं हमारे खड़े मसाले और अब मैंने ले लिया है अदरक लहसुन और मिर्ची इसको फाइन चॉप कर लिया है चॉपर में ही चॉप किया है इसमें से खुशबू ना आने लगे तब तक आपको इसको पकाना है और मैंने डाल दिया है थोड़ा सा हिंग और अदरक के जूलियस इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है तो देखिए खुशबू आने लगी है थोड़ी थोड़ी ब्राउनिंग भी हो गई है अब इसमें डालेंगे दो प्याज फाइन चॉप किए हुए तो चॉपर में ही मैंने चॉप किया है प्याज को और प्याज को आपको क्रैमलाइज करना है कैसे करना है आपको पता ही होगा थोड़ा सा नमक डालेंगे इससे प्याज जल्दी से क्रेमलाइज होते तो है पर परफेक्ट क्रेमलाइज होते हैं तो ये टिप आप ज़रूर याद रखिएगा देखिए प्याज एकदम परफेक्ट क्रेमलाइज हो चुके हैं अब इसमें डालूंगी दो टमाटर तो टमाटर को मैंने चॉप करके लिया है आप चाहे तो इसकी प्यूरी बना के भी ऐड कर सकते हैं दो मिनट के लिए इसे कुक करेंगे कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए तो देखिए यहाँ टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं चलिए अब इसमें मसाले डालने की बारी है तो इसमें मैं डालूँगी लाल मिर्च पाउडर धनिया का पाउडर ऐड करेंगे आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर एक चौथाई चम्मच के करीब गरम मसाला ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार नमक पहले भी डाला था हमने प्याज के टाइम पर इसलिए समझ के डालिएगा एक छोटा चम्मच इसमें डालूंगी कसूरी मेथी इससे जो टेस्ट इसका बढ़ जाएगा ना बिलीव मी आप ज़रूर कसूरी मेथी ऐड करें और इसे मिक्स करके कुक करेंगे जब तक कि तेल छूटे नहीं बट उससे पहले थोड़ा सा हम गर्म पानी डालेंगे गर्म पानी डालना भी जरूरी है इससे क्या होगा मसाले जलेंगे नहीं प्याज और जो टमाटर है उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और अच्छी तरह से फूल जाएंगे सारे ये जो मसाला है वो तो देखिए तेल यहां अच्छी तरह से छूट चुका है तब हम इसमें डालेंगे जो मसूर दाल हमने सो की हुई थी वो इसमें ऐड कर लेंगे और इन सारी चीज़ों को अब मिक्स कर लेते हैं जल्दी से एक मिक्स दे देते हैं अब जितनी मसूर दाल है उसका तीन गुना आपको पानी डालना है और गर्म पानी ही ऐड करना है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस ज़ीरो से स्टार्ट ना हो और शॉक ना लगे हमारी दाल को तो देखिए ऊपर आप देख सकते हैं रेड रेड ऑयल आ चुका है इसका मतलब हमारे मसाले एकदम परफेक्टली बुने हुए हैं देख सकते हैं आप ये साइन है कि आपने परफेक्ट मसाले बुने हैं इसके बाद प्रेशर कुक कर रहे हैं हम तो चार सीटी आपको लगानी है मीडियम फ्लेम पर और इसका प्रेशर निकलने देना है तब तक हम यहाँ खुशबूदार खिले खिले चावल बना लेते हैं तो इसके लिए मैंने पैन ले लिया है और घी में ही मैं इसका जो तड़का है वो लगाऊंगी दालचीनी के दो टुकड़े एक तेज का पत्ता तीन मैंने यहाँ काली मिर्च ले ली है तीन लौंग ले ली है और एक बड़ी इलायची आपको डालना है इस तरह से तोड़ के ही डालना है ताकि उछले नहीं जब वो गर्म हो तो इस बात का जरूर ध्यान दें छोटी इलायची भी डालते हैं तो थोड़ा सा इसका खोल के ही डालना है यहाँ खुशबूदार जो चावल है उसके लिए आपको शाही जीरा लेना है और ये नॉर्मल जीरा है दोनों जीरे में आप फर्क दे सकते हैं और शाही जीरा थोड़ा छोटा और चपट होता है और जो नॉर्मल जीरा है थोड़ा सा बड़ा और गोल जैसा होता है अब मैंने यहाँ ले लिया है कटे हुए गार्लिक क्योंकि मैं गार्लिक जीरा राइस बना रही हूँ यहाँ तो चॉप लहसुन आप जरूर डालें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है साथ ही में क्रंची बाइट भी आता है तो जब तक अब लहसुन थोड़ा ब्राउन ना हो जाए तब तक आप इसको सॉटे करें लो फ्लेम पे ही आपको इसको सोटे करना है बहुत ही बढ़िया ये टेस्टी रेसिपी लगती है नहीं खाते लहसुन तो टोटली स्किप करें मैं थोड़े से लहसुन और जो भी खड़े मसाले आ रहे हैं वो एक बोल में निकाल रही हूँ ताकि मैं ऊपर से इसे ऐड कर सको अपने चावल में आप चाहे तो अलग से भी आप गार्लिक को फ्राई करके सर्व कर सकते हैं राइस के साथ अब इसमें डाल दूंगी मैं धुले हुए चावल चावल को मैंने 15 मिनट पहले ही वॉश करके सोक करके रखा था सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट के लिए ही आपको सोक करना है चावल यहाँ मैंने बासमती राइस का यूज़ किया है और पानी आपको डेढ़ गुना डालना है यहाँ मैंने दो कप चावल लिए हैं तो मैंने तीन कप पानी डाला है फिर ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी चावल की क्वालिटी के ऊपर इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार और इसे मिक्स कर लेंगे ज़्यादा भी आपको मिक्स नहीं करना है अदरवाइज चावल टूट सकते हैं इसलिए ज्यादा बिगोए हुए चावल आप बिल्कुल भी यूज ना करें रेसिपी के लिए इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे आप होने दें बीच में आप एक बार चला सकते हैं तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ मेरे राइस हो चुके हैं बीच में मैंने एक बार इसे चला लिया था इसे हल्के से मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी एकदम परफेक्ट परफेक्टली डन है फ्रेंड्स राइस अब थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर दिख रहा है तो ये ओब्वियसली होगा तो आप क्या करें अब गैस को बंद कर लें और अब कवर करके इसे थोड़े टाइम के लिए छोड़ दे ताकि ये अच्छी तरह से खिले खिले बन जाए चलिए दाल चेक कर लेते हैं तो ऊपर ऑयल देख के आप समझ चुके होंगे कि दाल कितनी परफेक्टली बनी है एकदम परफेक्ट कुक हुई है अब मथनी या इस तरह से स्पेचुल से ही आप थोड़ा थोड़ा दाल को दबाए क्रश करें मसलें ताकि इसका जो टेक्सचर है बढ़िया आए चलिए इस पर एक तड़का प्रिपेयर करते हैं जो इसके टेस्ट को एनहेंस कर देगा तो दो बड़े चम्मच घी में मैंने डाल दिया है एक चम्मच जीरा और कटे हुए लहसुन लहसुन नहीं खाते तो आप स्किप करें लहसुन को हल्का सा ब्राउन होने देते हैं इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसके बाद इसमें डालेंगे हरी मिर्च हरी मिर्च मैंने तीन से चार काट के डाली है इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और साथ ही में कटा हुआ धनिया गैस को ऑफ़ कर लेंगे अब डालेंगे इसमें अदरक के लच्छे बड़े बड़े अदरक के लच्छे और गैस को ऑफ़ करने के बाद कश्मीरी लाल मिर्च डालें इससे बहुत ही बढ़िया कलर आता है जो रेड ऑयल दिखता है ना आपको बाहर ढाबे में वो यही होता है इसके बाद दाल में धनिया और ये तड़का लगा दें और तड़के को वेस्ट नहीं करना है दाल इस तरह से तड़के पैन में डालें और सारा ले लें दो मिनट के लिए इसे सिमर करेंगे हम और इसके बाद इसमें डालेंगे बटर और फट करके हम ऊपर लिड लगा लेंगे और पाँच मिनट बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं चलिए राइस चेक कर लेते हैं तो ये देखिए अब ये हो चुके हैं एकदम परफेक्ट खिले खिले बने हैं ये देख सकते हैं आप और अभी भी स्टीम आ रही है यानी काफ़ी गर्म है तो जो गार्लिक हमने निकाल के रखा था बस वही डाल रही हूँ ताकि क्रंची बाइट आए थोड़े से कम जरूर है आप थोड़े ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं धनिया डालें इसे हल्के से मिक्स करें और बस अब ये सर्व करने के लिए रेडी है चलिए दाल भी चेक कर लेते हैं तो पांच मिनट हो चुके हैं बहुत ही खुशबूदार दाल बनी है फ्रेंड्स आपको चखा नहीं सकती बट आप देख के आपको समझ में आ रहा होगा एकदम टेस्टी दाल बनी है तो चलिए फटाफट से इसे सर्व करते हैं गर्मा गर्म गरम ही इसे सर्व करें बहुत ही टेस्टी ये लगती है तो मैंने चावल के बीच में दाल को सर्व किया है एक क्रंची बाइट लाने के लिए मैंने यहाँ फ्राइड ऑनियन और धनिया इस इसमें स्प्रिंकल किया है साथ ही में सलाद के साथ इसे सर्व करें। कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी देखते ही बनाने का मन हुआ कि नहीं और मुंह में पानी आया कि नहीं जरूर बताइएगा ये कंफर्टिंग मील है तो एक सिंपल सी दाल को आप इस तरह से प्रेजेंट करेंगे चावल को अच्छी खुशबूदार बनाएंगे खिला खिला बनाएंगे साथ ही में एक बरिस्ता यानी फ्राइड ऑनियन इसके साथ सर्व करेंगे और जो दाल बनाने का तरीका बताया उससे आप बनाए सच में ढाबे रेस्टोरेंट की टेस्ट को भी मात देने वाली है ये रेसिपी चलिए मैं तो जा रही हूँ इसे एंजॉय करने आप भी बनाए और एंजॉय करें Like, share and subscribe my channel. Till then, take care. Bye bye.